तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पेटीएम का जो केवाईसी वो शुरू हो गया, जो बहुत दिन से अभी बंद था, अब आप अपना पेटीएम का केवाईसी करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पेटीएम का ऐप खोल लेना है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ पे जब आप आइएगा माई पेटीएम, उसके बाद आपको एक बार स्लाइड करना है, उसके बाद यहाँ पे ऑल सर्विसेज में जाना है। ऑल सर्विसेज में जाने के बाद मेरा कैमरा थोड़ा ये नहीं कर पा रहा है, चलिए ठीक है, अब दिख रहा है। यहाँ पे आपको स्लाइड करके पेटीएम पेमेंट बैंक में आना है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको केवाईसी में या बैंक अकाउंट, ये दोनों में से किसी में भी करना है, तो चलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट में दबा लेना आप। इसके बाद यहाँ ओपन सेविंग अकाउंट में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको पेंडिंग केवाईसी वाला में टिक करना है, देखिए यहाँ पे क्लिक करने वाला है, इसमें आपको छूना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर आपका पेन कार्ड और आधार कार्ड नहीं दिया हुआ है तो आपको पेन कार्ड मांगेगा और आपको आधार कार्ड मांगेगा, तो पहले आपको अपना आधार कार्ड डाल के उसमें ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेना, उसके बाद आपको अपना पेन कार्ड डालना है, उसके बाद यहाँ पे अपग्रेड अकाउंट में क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप अपना आधार कार्ड और पेन कार्ड डाल के उसमें और आगे बढ़ जाइएगा, उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे इसका वीडियो केवाईसी का, इसको आपको क्लिक करना है। और जब आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपके पास एक बात का ध्यान रहे, आपके पास आपका ओरिजिनल पेन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी फोटो कॉपी नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल पेन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट माई वीडियो में क्लिक करना है और कुछ देर का आपको वेट करना है, उसके बाद जैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव पेटीएम का आपसे कनेक्ट होंगे, उसके बाद उनसे आपको बात होगी और उनको आपका सारा डिटेल बताना जो जो वो पूछेंगे, और आपको अपना ओरिजिनल पेन कार्ड के साथ रहना है। इस तरह से आप अपना पेटीएम का केवाईसी कर सकते हैं। तभी मेरा को नहीं करना है, अभी बस मैं आपको बता रहा था, तो अभी मैं काट देता हूँ इसको। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें को ग्रो करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं।